हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग थर्मोडाइनमिक्स आज बात करेंगे हम अबाउट प्रोसेस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस तो हेडिंग लिखेंगे प्रोसेस प्रोसेस अ अ थ्रू विच थ्रू विच Change of state occurs, of system occurs. It is a path through which change of state of system occurs. So, based on uh, the path followed, processes may be like first uh, isothermal process. प्रोसेस नाम से मालूम पड़ रहा है टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट ये थ्रू आउट वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट का मतलब डी टी भी जीरो है एक स्मॉल इन्फाइना स्मॉल चेंज इज ऑल्सो जीरो एंड डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो तो हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट मतलब डीवी भी जीरो है और डेल्टा वी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो फाइनाइट प्रोसेस में भी चेंज इन वॉल्यूम जीरो है Or infinite small change during the process is also equal to zero. The volume is constant throughout the process. As a isobaric process, pressure is constant throughout. So dP be zero. Delta P is also equal to zero. देन एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस जहां पर जैसा पहले भी डिफाइन किया हमने एडियाबेटिक बाउंड्री डिफाइन की थी विच डज नॉट अलाउ एनी हीट ट्रांसफर अक्रॉस इट तो नो हीट ट्रांसफर बिटवीन System and surroundings. So, no heat transfer between system and surroundings, so Q is equal to zero. And then cyclic process. इसका रेफरेंस हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी दिया था साइक्लिक प्रोसेस जहां पर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बिकम सेम दैट मींस सिस्टम अंडरगोज ऑफ़ चेंजेस एंड फाइनल द ओरिजिनल स्टेट व्हेन सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस एंड फाइनली रिटर्न्स द ओरिजिनल स्टेट साइक्लिक प्रोसेस और यह हमने पढ़ा था कि चेंज डेल्टा फाइव स्टेट फंक्शन का चेंज जीरो होता है इन ए साइक्लिक प्रोसेस दैट मीन्स डेल्टा टी इज जीरो डेल्टा पी इज जीरो एंट्रोपी चेंज इज जीरो हेल्प चेंज इजीरोन द साइक्लिक प्रोसेस चेंज विल बी जीरोस आर सेम इन द साइक्लिक प्रोसेस अब यही पे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ऑल दिस प्रोसेस हाउ वी आर कैरिंग आउट कैन बी क्लासिफाइड इन टू द रिवर्सिबल प्रोसेस और इिवर्सेबल प्रोसेस तो हैड ही लिखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस विच is also कॉल्ड क्वासी static प्रोसेस यहां पर यह केयरफुल्ली समझना जरूरी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है इ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है देखो ये जो टॉपिक है थर्मोडाइनमिक्स ये फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है फिजिक्स में दे मेनली फोकस ऑन रिवर्सिबल प्रोसेसेस ओनली जबकि एक्चुअल में जो प्रोसेस होते हैं ऑल आर इवर्सिबल एंड इन केमिस्ट्री वी फोकस ऑन बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इसिबल प्रोसेस इनफैक्ट फैक्ट अवर फोकस इज मोर ऑन इिवर्सिबल प्रोसेस मोर ओवर दे कॉल इट थर्मोडायन एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस वी कॉल इट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस एज वेल एज फॉर केमिकल रिएक्शन तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे क्वासी स्टेटिक प्रोसेस क्वासी वर्ड का जो मीनिंग होता है

infinite simply solo process is called reversible process or quasi static process so define kase karin? point wise likhenge uh, a process a reversible process liklo, a reversible process is an infinite simply slow process and takes infinite number of steps for a finite change this occurs when pressure difference and or temperature difference between system and surroundings इनफाइनाइट सिमली स्मॉल तो ए प्रोसेस रिवर्सबल प्रोसेस इज द इनफाइनाइट सिमली स्लो प्रोसेस एंड टेक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर ए फाइनाइट चेंज दिस अकर्स वेन प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज इनफाइनाइट सिमली स्मॉल तो एक तरीके से पी एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टम के बाहर का Surrounding a pressure is P gas plus minus dp. See, at any moment, the difference is only a very, very small difference, extremely small difference, infinite, similarly small difference of the pressure between system and surrounding. Similarly, external temperature is equal to temperature of the system plus minus dt. So, these differences are very, very small. That's why the process is extremely slow. Achha, kai important points hai? Uh, in a reversible process, both system and surroundings are in thermodynamic equilibrium. in reversible process both system and surroundings are in thermodynamic equilibrium at every instant during a process so in a reversible process both system and surroundings are in thermodynamic equilibrium at every instant why because the pressure and temperature difference between system and surrounding at every instant is infinitesimally small तो हमेशा इक्म रहेगा अच्छा एक वर्ड आया थर्मोडाइनेमिकलियम तो आप क्या बोल रहे हो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग हर मोमेंट पर इक्लिबरियम में है आपस में एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडाइनेमिक इक्वीरियम सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इसी का पार्ट है ये तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर से इन थर्मोडमिक्लिबरियम आर सेट टू बी इन थर्मोडाबरियम वैन फर्स्ट मेकानिकल इक्ुब्रियम That is, delta P is zero, pressure difference is zero between system and surrounding. Thermal equilibrium, no temperature difference between system and surrounding, and chemical equilibrium. that means no chemical reaction occurring and there is a uniform composition exist so system and surrounding are said to be in thermodynamic equilibrium when these three equilibrium exist between system and surroundings तो ध्यान दो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में थर्मोडाइनेमिक इक्वेबरियम में कब कहे जाएंगे जब ये तीनों तीनोंक्म स्टेब्लिड हो मैकेनिकल मैकेनिकल का मतलब सिस्टम uh, और सराउंडिंग में नो ऑफ द दैट प्रेशर डिफरेंस इज जीरो इम्बेक्म टेम्परेचर इन साइड एंड आउटसाइड बोथ सेम केमिकल इक्विबरियम देर इज अफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम एंड देर इज नो केमिकल रिएक्शन नेट केमिकल रिएक्शन अकरिंग से इज थर्मोडाइनेमिक इक्विबरियम ियम डू एक्सिस्ट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिकम तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं पूरा यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है यह बहुत बेसिक है यह टर्म्स चल रहे हैं बेसिक टर्म्स वी आर डिफाइनिंग इन थर्मोडाइनमिक्स शुरुआत यहीं से करते हैं देखो रिवर्सेबल प्रोसेस

अच्छा है, आ, एक बात याद रखनी है जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बात करता हूं पॉइंट यह है कि रिवर्सिबल प्रोसेस बस नाम के प्रोसेस मतलब यू कैन नॉट अटेन इन प्रैक्टिस दिस आर ऑल थियोरटिकल प्रोसेस तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज इज a hypothetical process and cannot be attained in practice and cannot be attained in practice to a hypothetical process hai. Iska matlab, whatever processes are occurring around us whatever natural process we know ऑल आर इिवर्सिबल प्रोसेस तो याद रखें रिवर्सिबल प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है इसलिए they cannot be attained in practice. जिसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं मान लो ये एक पिस्टन टाइप कंटेनर है जिसमें कोई गैस भरी हुई है और गैस का प्रेशर में हुआ है बाई डस्ट पार्टिकल्स एंड एटमोसफेरिक प्रेशर फाइन डस्ट पार्टिकल्स। तो मान लो ये फाइन डस्ट है इनिशियली है गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर नो प्रेशर डिफरेंस अब आपसे कोई कहे मैं रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं कोशिश ही कर रहा हूं अगर ये मैं कर पा रहा हूं तो ये भी फिर क्या बन जाएगा इिवर्सिबल प्रोसेस अब मान लो गैस uh, पिस्टन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है इसका मतलब देर इज नो इम्बेलेंस ऑफ द फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स ट मींस प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ दब मैंने मान लो इक्लिबियम पे था एक डस्ट पार्टिकल उठा लिया वहां से धीरे से एक डस्ट पार्टिकल चिमटी से उठा लिया एक डस्ट पार्टिकल उठाया तो थियोरिटिकली एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस्ड सो एक्सपेंशन विल अकर बट दट एक्सपेंशन विल बी टू स्मॉल टू ऑब्सर्व चेंज वुड बी देयर बट दैट चेंज विल नॉट बी एबल टू वी विल नॉट बी एबल टू परसेप्ट चेंज

फाइनलीस्ट हटा करके वन बाई वन पार्टिकल वी है प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू वन एटमोस दो एटमोस एक एटमोस पर आना है तो आप सोचो कितनी बार डस्ट पार्टिकल रिमूव करने पड़ेंगे करोड मिलियंस एंड मिलियन मिलियंस ऑफ मिलियंस टाइम्स यू हैव टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल सच ए प्रोसेस इज इन फाइनाइट सिम्पली स्लो प्रोसेस

Extreme number of steps are needed to cause a finite change that is called reversible process. And the last point about the reversible process when path of reversible process is reversed, then both system and surroundings uh, regain their original state. So, when part of the reversible process is reversed, then both system and surroundings regain their original state. तो रिवर्सिबल प्रोसेस के पाथ को अगर रिवर्स करते हैं तो सिस्टम भी और सराउंडिंग भी दोनों ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं बट रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल हाइपोथेटिकल वट एवर प्रोसेस वी सी अराउंड अस इज ऑल आर ऑल इर रिवर्सिबल तो ये थे फीचर्स द पॉइंट रिगार्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेसेस चलिए अब बात करेंगे इिवर्सेबल प्रोसेस की रिवर्सेबल प्रोसेस ये रिवर्सिबल का बिल्कुल उल्टा है नाम से मालूम पड़ रहा है इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस तो लिखेंगे अनलाइक रिवर्सिबल प्रोसेस इ रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट्स In a definite number of steps, it completes in a definite number of steps. All natural processes are irreversible processes. ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इिवर्सिबल प्रोसेसेस देर इज अ फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में है तो देर इज ए फाइनाइट नंबर ऑफ देर इज ए फाइनाइट डिफरेंस इन प्रेशर And temperature of system and surroundings. Irreversible process me at any instant there is a finite difference between system and surroundings. So we can say that P external is equal to P plus minus delta P. A chaka difference ratha finite difference. T external

एटमोसफियर से वन एटमोसफियर रिवर्सिबल में तो हमने डस्ट वाला एग्जाम्पल लिया था मान लो यहां एग्जाम्पल ऐसा ले लें मान लो ये गैस है ये m1 मास, ये m2 मास रखे हुए हैं इनिशियली इक्वेबरियम है इनिशियली एट इक्म अब मान लो एक पर है मतलब गैस का प्रेशर मेंटेनड बाय m1 एंड m2 मासेस तो इनिशियली प्रेशर ये था आपने मास m2 हटा दिया जैसे ही मास आपने m2 हटाया अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो गया प्रेशर में बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बिटवीन गैस एंड आउटसाइड प्रेशर तो व्हाट विल हैपन एक्सपेंशन विल आकर एक्सपेंड हुआ और कुछ देर बाद एक्सपेंड होने के बाद गैस का प्रेशर घट करके वापस से प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू तो एम वन आ गया अब मास केवल रखा हुआ है फाइनली पर आ गया ये भी फाइनली फाइनलीक्म तो मास टू इज रिमूव आउट तो ये कहलाएगा ये रिलेटिवली फास्ट हुआ प्रोसेस गैस तेजी से एक्सपेंड हुई और गैस का प्रेशर घटा और घटके जब वो आ, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया तो देन अगेन सिस्टम इज ब्रॉडबैक इन टू दूसराबल प्रोसेस हुआ तो फाइनाइट चेंज था बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टू कॉज द प्रोसेस टू अकर अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना है इर प्रोसेस में इक्विब्रियम केवल इनिशियल स्टेट पर होता है और फाइनल स्टेट पर इन बिटवीन और ड्यूरिंग द प्रोसेस देयर इज नो इक्लेबरियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इिवर्सिबल प्रोसेस थर्मोडानेम इक्विबरियम एक्स

रिवर्सिबल प्रोसेस के पाथ को अगर रिवर्स करोगे तो या तो सिस्टम अपने इक्विबरियम स्टेट में आ जाएगा बट सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ विल नॉट कम टू द इक्म स्टेट तो वेन पाथ ऑफ इिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्स्ड Either system or surrounding or both do not get back to their original state. तो रिवर्सिबल irre प्रोसेस के पास को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं और रिवर्स कराते हैं तो या तो सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आएगा या सराउंडिंग नहीं आएगा या दोनों ही अपनी ओरिजिनल स्टेट पर नहीं आएंगे तो ये थे फीचर्स ऑफ इ रिवर्सिबल प्रोसेस तो ये थे रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस दीज वर इंपॉर्टेंट पॉइंट तो जो हमने प्रोसेस ऊपर लिखे थे आइसोथर्मल है एडियाबैटिक है आइसोबेरिक है आइसो है ऑल दोस्त डिपेंडिंग अपॉन हाउ वी हैव कैरिड आउट मे बी रिवर्सिबल और मे बी इिवर्सेबल प्रोसेस तो स्टूडेंट्स को यहां केयरफुली समझना चाहिए दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी सब ये डेफिनेशन चल रही हैं अबाउट द प्रोसेस डेफिनेशन के बाद फिर हम क्लासीफाई करेंगे कि चैप्टर के तीन पार्ट होते हैं चैप्टर के तीन पार्ट जो हैं वो हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनामिक्स सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो एंड थर्मोकेमिस्ट्री तीन पार्ट फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एंड थर्मोडा थर्मोकेमिस्ट्री तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम डेफिनीशन से पहले अभी तो दो तीन लेक्चर तो डेफिनेशन ही चलता रहता है इसमें और यहाँ तो हम छोटे वीडियोस बनाते हैं 20, 25, 30 मिनट के तो यूँ मान लो पहले चार पांच वीडियोस में तो डेफिनेशन ही डेफिनीशन्स हैं कई बार स्टूडेंट सोचते हैं डेफिनेशन तो जल्दी निपटा लो ना निपटा सकते हो डेफिनेशन समझ में आएगी तो थर्मो आएगा पकड़ में थर्मो जब ही पकड़ में आएगा अच्छे से जब आप डेफिनेशन को समझते हो उनको अप्लाई करना जानते हो स्टेट फंक्शन को फील करते हो आप सो फील दिस टॉपिक दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन अदर टॉपिक्स ऑल्सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं दैट्स इट फॉर नाउ